बदनाम किया था, अरे तुम्हें भूख लगी है कल तक सब खाने था, मैंने अभी अभी फिल्म को मार दिया तो ठहर जा, लेकिन उसको बदला ले कर क्या है उसके बर्तनों में भी चावल नहीं है। रुकमी की लक्ष्मी को आया फिर उसने ढूंढे ढूंढे थोड़ा सा थोड़े से चावल लिए, उस चावल को पकाने के लिए पानी नहीं था, खारे पानी से नहीं पकता, फिर मीठा पानी कहा ना कहाँ से, वो भोग हुआ था। तब माता सुभद्रा ने कहा कि भैया हुआ क्या ये तो बताओ, बोले रुक्मी है वो रुक गई हमारे से और चली गई, उसके लिए हमारे से दरिद्रता वो लक्ष्मी है उसको हम लूट गए, हम हाँ ये है कभी तो भैया तो रुक्मी को बुला था, नहीं उसको गर्व है तो हमें क्या, हम तो पुरुष है ऐसा कुछ खाने के लिए डराए करना है जरा देखो तुम्हें। फिर सुभद्रा माँ ने जाकर रुक्मी को प्रार्थना की माँ गलती हो गई, अभी तुम ऐसा करने से कैसा होगा, कृष्ण देखो बदला प्रभैया का क्या हालत हो गया है, आप उनके लिए तो लक्ष्मी मैया भी तो माया रहने के मन करना नहीं उसमें भी है। उसने कहा एक बार मुझे बुलाओ बोलो ना, ऐसा उसने कहा कृष्ण को कहा कि एक बार मुझे बुलाओ जाने के लिए कहो, सुभद्रा ने कहा कन्हैया एक बार तुम्हें को तो बुलाओ माता लक्ष्मी को तो बुलाओ, तो उसने कहा भूख लगी है तो पहले किनारे बन में बुला लो, भूख मिटाने के लिए तो कह रहे हैं कि तुम बुला लो उनको। तब कृष्ण कह रहे हैं कि रुक्मिणी आजा भूख बहुत लगी है, कहते हैं आज भी जगन्नाथपुरी के उस मंदिर में जहाँ रुक्मिणी का स्थान है, रुक्मिणी खड़ी हुई है, वहाँ उस समय मीठे जल का स्रोत नीचे से ऊपर है, उस मीठे पानी को डालकर उसने सुभद्रा ने खाना पकाया और वो खाना लेकर कृष्ण खाए और बोले थे रुक्मिणी आज आपकी बात नहीं करूँगा, सब मानव एक है, तुझे सभी जगह जाने का अधिकार है, मेरी गलती हुई कि तुझको सभी के ऊपर कृपा करता है, उसी तरह मुझे भी मुझे आज पता चल गया कि अगर लक्ष्मी रूट दी है तो कितना कष्ट होता है। तब उस पानी को आज भी पूरी में सब लोग मीठे पानी के लिए समुद्र खारा होता है, लेकिन मंदिर में आज भी वो मीठा पानी रखा हुआ है, तो वो पानी के लिए उस दिन जिस प्रार्थना को किया गया सुभद्रा माता ने उसे वही को भी मतलब यहाँ प्रवेश किया और बिना खोले रुक्मिणी के कहने पर नीचे से पानी मिठाया, आज भी वो बोले कि माँ आप जगन्नाथ दे सकते हैं। तो इस बात को जब पता चला और कृष्ण ने वो भाग भी खाया तो वो खुश हो गए, बात में कहने लगे कि भैया इतने दिन रहे अब कैसा, तुमने कहा आज मेरा रथ टूट गया था, तो तब सुभद्रा माता ने रथ बनवाया, रथ बनवाकर उसमें खड़े हो गए, उसने उस समय नारद महर्षि आए और नारद महर्षि ने कहा कि देखा रुक्मिणी के रोने से कितना कष्ट हो गया, रथ नहीं आज सुभद्रा माता ने रथ बनाया और उस रथ बना बनाकर वहाँ बैठा, तो सुभद्रा को लेकर बलभद्र भी चढ़े उसके ऊपर, सुभद्रा भी चढ़े और कृष्ण भी, उस दृश्य को लेकर नारद महर्षि कहते हैं कि प्रभु ये दृश्य संसार के लिए श्रेष्ठ हो कि जगन्नाथ भी अगर गलती करते हैं तो उत्तर उठा हुआ बहन के घर में रथ को लेके गए, उसी को जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं, हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को जगन्नाथ रथ यात्रा होगी, जो भगवान सुभद्रा ने कृष्ण और बलराम को बुलाकर मथुरा को भेजा था उस रथ यात्रा का कार्यक्रम आज होता है, और वही था जो रुक्मिणी ने सुभद्रा जी ने श्री कृष्ण और बलराम को रख दिया था, उसको कहते हैं कि इस पुरी में जो भी इस भाग को खाता है या जो सुभद्रा माता ने कृष्ण को बना के दिया था, तो उस भाग को क्या जगन्नाथ का भाग जब प्रसार जय सारा हाथ प्रसार कर लेता है उस भाग को, और उस भाग को लेने के बाद किसी प्रकार की लक्ष्मी कमी नहीं होती, कोई गलती से हमारी लक्ष्मी के ऊपर रूठ भी गई हो तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो यह होने के बाद वहाँ से जितना चलने के लिए, तो एक बार विश्वनाथ जी भी अपने आश्रम काशी में बैठे थे, तो सभी लोग उस समय भी हेमलम्बी नाम का यही वर्ष आया हुआ था, तो उनके सारे शिष्य ने कहा कि हेमलम्बी नाम को वर्ष का कैसा होता है, तो उन्होंने कहा हेमलम्बी नाम समर्पण बहुत कठिन होता है, यहाँ हम कृष्ण बलभद्र रुक्मिणी को अगर हम पूजा करते हैं तो ये कृष्ण ये संस्थान ठीक रहेगा, पहले हमारे घर पर कृष्ण सुभद्रा और बलराम पर खुद रुक्मिणी घर में आएगी नहीं तो नहीं आएगी, तो सभी लोग हमारे थोड़े विद्वान ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने कहा कि क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, क्यों आई पर ठीक नहीं रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा रखो या ना रखो तो तुम्हारी इच्छा, कृष्ण विश्वनाथ जी बोले आप हम सब जो सब लोग भी पूरी करते हैं, लेकिन मुझे मेरे आश्रम को चलाने के काशी के आश्रम को चलाने के बलभद्र कृष्ण को आज आह्वान करना है, मैं जाना, वे समुद्र के तट पर गए और कहा कि फिर अब
काल की न करना, मारुति को नहीं रोकना, तो हमारे घर में आने के लिए तो मुझे प्रसन्न हो जाओ। और उन्हें प्रार्थना की, और जैसा ही समुद्र में डुबकी लगाई, उनको कृष्ण की मूर्ति और बलराम की मूर्ति प्राप्त हुई, और वो सभी को उन्होंने बताई। आज भी अगर कृष्ण आश्रम में आप जाते हैं तो वो कृष्ण की मूर्ति है समुद्र में उनको मिली थी, और उसके न्याय को उन्होंने आह्वान किया तो बोले कि कृष्ण की मूर्ति सही है, इसमें कैसा पता चले। कृष्णा जी ध्यान में चले गए और कहा कि आप ही बता दो कि समुद्र हिमनदी नाम समुद्र की जो दुष्क्रियाएं हैं वो हमारे प्राप्त नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ आए हैं, इसका उदाहरण दिखाओ। उन्हें सफेद कपड़ा डालकर उसके ऊपर कृष्ण की मूर्ति रखी और ध्यान में चले गए। देखते क्या है, कृष्ण की बात मूर्ति चले उसके आज भी उसके मन के चाप वहाँ रखा हुआ है। इस प्रकार अगर हम हिमनदी नाम समुद्र में अपने घर पर सुभद्रा बलराम और श्री कृष्ण की फोटो लगाते हैं तो हमारे ऊपर रहेगी और हमारे घर में इस वर्ष भर किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बलभद्र को भी भूमि को जोतने वाले कह गए कहे गए हैं। बलभद्र के पास उनको जोतने का चीज है, इसलिए वो हल है, इसलिए हम कहते हैं कि भूमि को कष्ट ना पहुंचे इसलिए इस चीज को रखा गया है। और जो अपने घर के मुख्य द्वार पर बलभद्र सुभद्रा कृष्ण का फोटो लगाते हैं या इंद्र लगाते हैं तो उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, इसलिए हिमनदी नाम वर्ष के ऊपर इस फोटो को लगाना चाहिए। इसको लगाते समय शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र को बोलना चाहिए, हिमलंबे डोमास्कर वे परस्पर रोहिणा प्रजापिणा तथा भी सूर्य होता। अभी यहाँ का राजा बहुत कठिन होता है, शिक्षा देने वाला हिमलंबी नाम के समुद्र का राजा कठिन है, वो भूम है, कोई भी गलती करता है तो उसकी शिक्षा उसको तत्काल मिलता है। तब इसी जगह भी सुखी रहने के लिए हम इस जगन्नाथ जी की मूर्ति को लगाना चाहिए और मूर्ति की फोटो लगाते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। मन्नाथ से जगन्नाथ, मद्गुरु से जगत गुरु, मद विद्या से महाविद्या, मद गुरु से गुरु निवास। मेरे घर में गुरु जगन्नाथ के रूप में निवास करें और मेरे घर में किसी प्रकार की कमी ना हो, इसलिए इस देवता की मूर्ति स्थापना करना चाहिए। इस प्रकार प्रेमनाथ जी राशियों में जिनका गुरु अच्छा नहीं है और शनि के में मुख्य देवता क्यों कहलाए जाते हैं, इनका काल बहुत बड़ा है। गुरु 13 महीनों तक ठीक नहीं होते और शनि 20 महीनों तक, एक काल बहुत बड़ा है। बाकी रवि चंद्र शुक्र सब एक एक महीने, एक एक दिन बुध वगैरह सब एक एक महीने वाले हैं, एक महीना ठीक नहीं जाए तो दूसरा महीना तो ठीक होगा, लेकिन इनका काल ज़्यादा रहने के कारण साधारणता मनुष्य लोग गुरु और शनि को ही देखते हैं कि यह हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल। इनको जिनको भी गुरु शनि और गुरु अनुकूल या प्रतिकूल है, उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए ये बदला रहा है। इस वर्ष जिन राशियों के ग्रह पीड़ादायक है या महादशाएं पूर्व राशियों से जुड़े हुए हैं, वे पूर्णिमा को सफेद वस्त्र में सफेद तिल या अमावस्या को काले कपड़े में काले तिल का दान करें, कष्टों का निवारण होगा। अगर तुम्हारे कोई ग्रह अच्छे नहीं है इस वर्ष में तो पूर्णिमा के दिन सफेद वस्त्र में सफेद तिल को दान करना चाहिए या अमावस्या को काले वस्त्र में काले तिल को दान करने से इस संसार के अंगीरस ऋषि होने से होने के कारण इनको अग्निबीज कहा गया है, और इसको दान करने से भौम शांत होते हैं, इसको दान करने से हमारे कष्टों का निवारण होगा। अगर तुम्हारी कोई ग्रह अच्छी नहीं है, शनि महादशा चल रही है, राहु महादशा चल रही है, केतु महादशा जो क्रूर ग्रहों की दशाएं चल रही है या भौम दशा चल रही है, तो इस प्रकार दान करना श्रेष्ठ कार्य है। विशेषकर विद्यार्थियों को सफलता के लिए छोटी उंगली में पन्ना धारण करना और बुध स्तोत्र का पाठ करना सफलतादायक है। भौम राजा होने के कारण विद्या बुद्धि में बहुत गड़बड़ करने वाले बच्चे होते हैं, पास होने के लिए जब मुश्किल होता है तो वो लोग अपनी छोटी सी उंगली में पन्ना यमराज पत्सा कहते हैं लोगों में, उसकी अंगूठी अपनी छोटी उंगली में धारण करना चाहिए और बुध स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस वर्ष व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, कार्मिक वर्ग आर्थिक उन्नति के लिए जो पैसा कमाना चाहते पैसा कमाने वाले हैं, कर्म करते हुए पैसा कमाने वाले हैं, उन लोगों के लिए इंद्रनील मणि को त्रिधातु की अंगूठी में अगर देश की उंगली में डालते हैं तो उनको सफलतादायक है। इस वर्ष स्त्री वर्ग अपने सुख सौभाग्य के लिए स्त्री मुख की अंगूठी धारण करें और शुक्रवार को अष्टाध्यायी स्तोत्र का मंत्र का पाठ करना ठीक है। इस वर्ष कला क्षेत्र में रहने वाले कलाकार या कला संबंधी में धनोपार्जन करने वाले शुक्र यंत्र या अंगूठी या शुक्र यंत्र को अपने पास रखें, शुक्र मंत्र नीचे 11 बार उच्चारण करना ठीक रहेगा। कृषि पर आधारित है, जो खेती वगैरह करने वाले हैं उन लोग किसान लोगों के लिए और धान्य के व्यापारियों के लिए नीचे 11 बार श्री कृष्ण शरणम करते हुए श्री जगन्नाथ का यंत्र धारण करना ठीक रहता है।
जो सैनिक पुलिस खाते में हैं, रक्षा खाते में हैं, वैद्यकीय हैं, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं है। वो लोग उपद्रवकारी इसकी शांति के लिए नित्य 11 बार सूर्य गायत्री का पाठ करना ठीक है। सूर्य गायत्री इस प्रकार है, ओम आदित्याय विद्महे सहस्र प्रणायामे तन्न सूर्य प्रचोदयात्। ये मनाम था कि उंगली में माणिक रूबी को धारण करना ठीक कहा गया है। इसी प्रकार राशि के अनुसार कौन कौन क्या करें, कौन कौन क्या ना करें, इसकी इसके लिए राशि के अनुसार लिखा गया है। मेष राशि वाले मीठी रोटी गाय को खिलाएं, कम से कम वर्ष में 40 दिन सोने के जगह कुबेर का उपयोग करें। जहाँ सोते हैं आप वहाँ कुबेर का एक बड़ा से नींद लाइए, नहीं तो घर का सामान चोरी होने की शक्यता है। इसलिए मेष राशि वाले इस बात को ध्यान रखें। अब क्या ना करें, काले काले एवं अपाह्य व्यक्तियों से दूर रहें। मेष राशि वाले इस वर्ष में कभी भी लकड़े लूले और पहले लोग तो दान नहीं देना, दान दिए तो ये लोग लूले लकड़े देंगे, इनके बच्चे होंगे, दान नहीं देना चाहिए। मेष राशि वाले ध्यान रखें, उनसे कोई दान ना लें या कोई सहायता लें, और मीठी वस्तुओं का व्यापार ना करें। मीठी वस्तुओं का व्यापार करना मेष राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। ये लोग उनका उनकी अच्छाई के लिए उनके रुद्राक्ष को धारण करें और वो क्लीन प्रमाण इस मंत्र को करें। वृषभ राशि वाले उनकी दान धर्म स्थान में दान करें, गोदान करें, शुक्रवार का उपवास करें, दूध दही घी कर्पूर धर्म स्थान में दान में दें। वैसा ही पढ़ाई स्त्री और विश्वास पर कोई व्यापार या धन से संबंधित कार्य ना करें। नुकसान हुआ मुक्त या वज्रमणि का दान ना करें, चांदी किसी के दान ना दें। ये लोग चौक की रुद्राक्ष धारण करते हुए ओम ह्रीम नमः या ओम नमः शिवाय वाले महा इस मंत्र का जाप रोज एक माला करें। मिथुन राशि वाले गुरु से पुष्कर धन का हर्ष होता निकले, चावल और दूध धर्म स्थान लगे, ऊन भिगोकर पूत रोग को लें, घर में पशु पक्षी ना पालें, तामसिक भोजन का परित्याग करें, नहीं तो कोई ना कोई दीर्घ रोग हो सकता है, जैसे मांस खाना मछली खाना करते हैं, उनको दीर्घ रोग हो सकता है। वो लोग सप्तम की रुद्राक्ष धारण करते हैं, ओम ह्रीम नमः या ओम महात्मय नमः इस मंत्र का जाप करें। कर्क राशि वाले चांदी के पत्थर से दूध माली के गेहूँ गुड़ तांबा दान करें, चावल चांदी और दूध बेटी या संतान को दान दें। सफेद वस्तुओं से निर्मित चीजों का व्यापार ना करें, घर में खरगोश ना पालें, पितरों को खाना स्वयं ना खाएं, चिड़ियों को खिलाकर खाएं। अगर कर्क राशि वाले पितरों का खाना है, जो सार्थक का खाना होता है, अगर वो खाने से पहले खाने को चिड़ियों को देकर पाल लेना है, तो रोग हो सकता है। क्योंकि रुद्राक्ष का धारण करें, ओम नमो ब्रह्म विष्णु महेश्वराय नमः या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सिंह राशि वाले अंधों को भोजन करवाएं, साला दामान एवं भांजे की सेवा करें, ताकि हमेशा पाल रखें। बड़ों पर क्रोध ना करें, उनका अहित ना करें, किया हुआ वादा ना भूलें, धैर्य की कोट के कमरे में अंधेरा रखें। पंचम की रुद्राक्ष को धारण करें, ओम ह्रीम नमः या ओम नमः शिवाय का मंत्र करें। कन्या राशि वाले बेटी को माँ जैसा प्यार और स्नेह दें, घर में हरे रंग का प्रयोग ना करें, बुधवार को उपवास रखें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं, कुमारी पूजन करें और पूजा का स्थान परिवर्तित ना करें, बिना नदी के जल से भरे नवीन वस्त्र धारण ना करें, घर में तुलसी या मनी प्लांट के पौधे ना लगाएं। ये लोग कोई भी नया कपड़ा इसका नहीं देना चाहिए, नया कपड़ा पहनने से पहले कन्या राशि वाले भिगो कर पानी में भिगो कर बाद में पहने। और ये लोग चौकी रुद्राक्ष को धारण करें, ओम ह्रीम नमः या ओम ब्रह्मदेवाय नमः इस मंत्र का एक माला जप करें, मक्खन आलू और दही का दान करें। घर में कदापि तुला राशि वाले संगीत नृत्य का कार्य न करें, करने से उनके घर में कोई ना कोई पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। सफेद गौ को ग्रास ना दें, दूसरे गायों को दे सकते हैं। मद्यपान का निषेध करें, मद्यपान ना पिए। हेलो शेरों की रुद्राक्ष को धारण करें, ओम ह्रीम नमः या ओम कार्तिकेय नमः इस मंत्र को करें। वृश्चिक राशि वाले मंगलवार को उपवास रखें, हनुमान जी की उपासना करें, मुर्गेश्वर को रात्रि को शयन करते समय रखें, भाभी की सेवा करें, तंदूर की रोटी ना खाएं, पीपल का वृक्ष ना काटें, बड़े भाई की अवहेलना ना करें, घर में दूध उबालते समय जले ना पाए, ऐसा होने पर तीव्र रोग हो सकता है। पंचम के रुद्राक्ष धारण करें, ओम ह्रीम नमः या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। धनुराशि वाले धर्मस्थान में घी दही आलू और पूर्व दान, गुरुवार को एक समय भोजन करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें, ब्राह्मण साधु एवं कुलगुरी की सेवा करें। पीले फूल वाले पौधे छोड़कर दूसरे पौधे ना लगाएं, लाल या काली वस्तु पास में ना रखें, भिखारी का को निराश ना लौटने दें। त्रिमुख की रुद्राक्ष धारण करें, ओम ह्रीम नमः या ओम नमो ब्रह्मा महेश्वराय नमः का जप करें। मकर राशि वाले पूर्व दिशा वाले मकान में निवास करें, हमेशा पास में स्वर्ण और केसर रखें,
भैंस को पाले, बंदरों की सेवा करे, चमड़े या लोहे की बनाई वस्तु ना खरीदे, घर के किसी हिस्से में अंधेरा ना रखे, असत्य भाषण ना करें, सप्तम तीर्थ ओम होम नमः या ओम महाराष्ट्र का जब करें एक माना उम्र अश्व है मुख्य द्वार पर थोड़ा बहुत अंधेरा रखें, शनिवार का व्रत रखें, सोना धारण करें, दूध में स्नान दूध से स्नान करें, छत पर ईंधन ना रखें, मांस भक्षण ना करें, घर के अंतिम दीवार पर खिड़की ना रखें, चौकी रुद्राक्ष धारण करें, ओम ह्रीम नमः ओम ब्रह्म देवाय नमः उस मंत्र का जाप करें एक माना मीन राशि वाले गोदान करें, केसर और हल्दी का तिलक करें, दुर्गा सरस्वती का पाठ करवाएं, मंदिर में वस्त्रदान करें, मुख्य द्वार के सामने गड्ढा ना रखें, तुलसी एवं देव प्रतिमा घर में ना रखें, किसी से मदद दान स्वीकार ना करें, पंचम की रुद्राक्ष धारण करें, ओम ह्रीम नमः या ओम श्री इंद्राय नमः इसका एक माना जप करें। यह संक्षिप्त रूप से राशि के अनुसार आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आज इस नवरात्र के आदि दिन कहा गया है। फिर भी आपके सामने नवरात्रि की देवता है और गुरु रहने के कारण जिनको गुरु हो और जो गुरु की उपासना करता है गुरु की कथन के अनुसार करता है गुरु उनकी रक्षा करता है। अगर गलती भी हो उसके जीवन में तो उसको अच्छे मार्ग पर ले जाता है। इसलिए गुरु मंत्र का जाप करते हुए गुरु की सेवा करने वाले को किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं होता। फिर भी अगर हम हर मिनट हर क्षण गुरु के साथ नहीं रहते इसके इन छोटे छोटे रुद्राक्ष और मंत्र का जाप करें ताकि जीवन में उस तरह के कष्ट ना आए। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि यह आज का पंचांग श्रवण हो क्योंकि कल भी नहीं कहा था आज भी आपको मैंने यह पंचांग श्रवण कहा है। ఈ సంవత్సరము హేమడంతి నామ సంవత్సరంగా చెప్పబడింది. ఈ సంవత్సరం 60 సంవత్సరాల్లో 31వ సంవత్సరంగా మధ్యలో చెప్పబడింది. కనుక దీన్ని తులా సంవత్సరంగా చెప్పబడతారు. కాబట్టి ఈ 60 సంవత్సరాల్లో దశభ్రాంతి యొక్క 60 సంవత్సరాలకి పంచాంగంగా